मायके से अच्छा ससुराल। पायल अपने चाचा चाची के साथ धौलपुर गांव में रहती थी। पायल की चाची चांदनी बेहद ही गामचोर और कसाई किस्म की औरत थी। वह खुद से कभी एक गिलास पानी भी नहीं पीती थी। पायल, ओ पायल, कहाँ मर गई गामचोर? पायल भागकर अपनी चाची के पास आती है। चाची, आपने बुलाया? हाँ हाँ, जाकर जल्दी से मेरे लिए मलाई मार के अदरक इलायची की कड़क चाय बना कर ला, साथ में प्याज पालक के पकौड़े भी। चांदनी की फरमाइश के पायल रसोई में आकर चाय पकौड़े बनाने में जुट जाती है कि कुछ ही देर में चांदनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे ओ नासपिटी निखट्टू, जल्दी कर, मेरे पेट में चूहे हाथी घोड़े सब रेस लगाए बैठे हैं। लाई चाची बस 5 मिनट। पायल इस बात से बिल्कुल बेखबर नहीं थी कि उसकी चाची चांदनी को खाने पीने में देरी बिल्कुल हजम नहीं होती, इसलिए वह जल्दी जल्दी चाय पकौड़े लेकर हॉल में आती है। तभी चांदनी उस पर बरसते हुए कहती है, एक कप चाय और चंद पकौड़े तलने में तुझे इतनी देर लग गई? इतनी देर में तो मैं पूरी पकवानों से भंडार भर दूं। ऐसे ही हाल रहा तो ससुराल वाले एक दिन ही धक्के मार कर निकाल देंगे बाहर। अरे अब मेरे सर पर खड़ी क्या है, जाके रात के खाने की तैयारी कर। पायल आंसुओं से भरी पल के लिए रसोई घर का रुख करती है और खुद से बातें करते हुए कहती है, माँ पापा, आखिर आप दोनों अपनी बेटी को इस अनजान दुनिया में क्यों छोड़ गए? चाहे कितनी भी कोशिश करो, चाची कभी मुझसे मीठे मुंह बात नहीं करती, हर दिन मेरे किए कामों में नुक्स निकाल कर ताने मारती हैं। रात होने पर जब रामलाल घर लौटता है तो पायल चांदनी और उसे खाना परोसती है, और जैसे ही खुद भी खाने की थाली पर बैठने के लिए कुर्सी खींचती है तभी चांदनी उसे झड़पते हुए कहती है, अरे ओ महारानी, ये कुर्सी क्यों खींच रही है? वो चाची, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, सारा दिन कामों में निकल गया, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए मैं भी खाने की थाली लगा रही हूँ। बाद में अकेले खाने से बेहतर है कि आप दोनों के साथ बैठ कर खा लूं। चुपचाप खड़ी रहे, बड़ी आई हमारे साथ खाने वाली, हमारी थाली में जो खाना बचेगा वो क्या तेरा बाप खाएगा? हाँ चाची, रोज तो मैं आप दोनों का बचा खुचा जूठा नहीं खाती हूँ, क्या बिगड़ जाएगा जो एक दिन मैं अलग से खा लूंगी तो? पायल को ऐसा बोलता उसका चाचा रामलाल उसकी आवाज को दबाते हुए कहता है, चुप कर बेगे औरत, आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। अरे शुक्र मना हमारा जो भैया के मरने के बाद मैंने तुझे पनाह दी, वरना भिखारियों की तरह दर दर भटकती हुई भीख मांग रही होती। रामलाल के कड़वे शब्द पायल के सीने में फांस की तरह चुभ रहे थे, जिसके बाद वह रोती बिलखती हुई कमरे में चली जाती है। दिन बीतते हैं, एक रोज रामलाल चांदनी से कहता है, अरे सुनती हो भगवान, बड़ी उम्दा खबर लाया हूँ। अरे तो बताओ भी, बात क्या है? पायल के लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता हाथ लगा है, एक पैसे की मांग नहीं है उनकी, इसे हमारे 2 फायदे हैं। इसके ब्याह की जिम्मेदारी से पीछा छूटेगा और भाई साहब के इस प्रॉपर्टी पर भी हमारी पूरी दावेदारी जम जाएगी। अपने स्वार्थ को साधते हुए रामलाल और चांदनी पायल की शादी एक बड़े परिवार में कर देते हैं, मगर बहू बनी पायल के मन में बार बार ससुराल वालों की चिंता उमड़ घुमड़ रही थी। पता नहीं मेरे ससुराल वाले मेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे, जब मेरे खुद के सगे चाचा चाची मेरे ना हो सके तो ससुराल तो शासन का दूजा नाम है। पायल अभी ऐसा सोच ही रही होती है कि उसकी सास सीता कहती है, अरे बहू रानी, कहाँ खो गई? भीतर आओ, मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। ये है तुम्हारे ससुर, ये जेठानी ज्योति, ये निम्मी तुम्हारी ननद, और मैं तुम्हारी सास। पायल को अंदर ही अंदर ससुराल वालों का खौफ खाए जा रहा था। उसके चेहरे पर उभरी हुई झिझक देख कर उसकी जेठानी ज्योति कहती है, पायल तुम थक गई होगी, जाओ जाकर आराम करो। पायल अपने कमरे में आकर गहरी नींद में गुम हो जाती है और अगली सुबह 10 बजे उसकी आंख खुलते ही उसकी निगाह घड़ी की ओर घूम जाती है। शादी के पहले दिन मैं इतनी देर से उठ रही हूँ, पता नहीं मेरी सास ननद और जेठानी मुझे कितना सुनाएंगी। इसी डर के साथ बेचारी बड़ी झुंझुलाहट के साथ नहा धोकर रसोई में आती है, जहाँ ज्योति कहती है, अरे पायल तुम यहाँ, मैं तो तुम्हारे कमरे में ही चाय ला रही थी। जेठानी जी, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इतनी देर से नहीं जागना चाहिए था, पता नहीं कैसे मैं इतनी देर तक सोती रह गई। पायल की आंखों में उभरी उथल पुथल और बड़ी बेचैनी को देखकर ज्योति उसे सहलाते हुए सुलझा सा जवाब देती है, अरे पायल इतना परेशान क्यों हो रही हो, देखो सारा काम खत्म हो चुका और मुझे जेठानी जी नहीं जीजी कहकर बुलाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
ये लो ये चाय पापा जी को दे आओ। पायल सर पर पल्ला किए अपने ससुर को चाय देते हुए धीमी आवाज में कहती है, ये लीजिए ससुर जी चाय। ये क्या पायल बहू, आज के जमाने में ये पल्लू, शायद तुम्हें पता नहीं कि हमारे ससुराल वाले पर्दा प्रथा को प्रोत्साहित नहीं करते। मगर ससुर जी मैं तो इस घर की बहू हूँ। बहू, इस घर आंगन को ससुराल नहीं बल्कि मायका मान ले और मुझे अपनी माँ, इस घर में बहू और बेटी का बराबर दर्जा है। ये सुनकर पायल की आंखों के आगे अपने चाचा चाची के सौतेलेपन की छवि उभर आती है, जिसके साथ बहू की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। मेरे ससुराल वाले इतने खुले विचारों के हैं, तू तो खामखा ही खौफ खा रही थी पायल। देखते ही देखते दिन ढल जाता है और दोनों देवरानी जिठानी मिल बांट कर खाना बनाकर मेज पर लगाती हैं। सभी को खाना सर्व करके पायल खड़ी हो जाती है, तभी उसकी ननद निमी कहती है, अरे पायल भाभी आप खड़ी क्यों हो, आइए ना हमारे साथ बैठकर खाइए। अभी ननद को खाने के खातिर जोर कसता देखकर पायल झिझकते हुए बोलती है, मगर निमी ऐसे कैसे, पहले तो घर के बड़े खाते हैं फिर बहू। ये सुनकर बहू की सास सीता मुस्कुराते हुए उसे खाने की मेज पर बैठाकर खाने की थाली परोस कर कहती है, बहू तुझे कहा था ना कि इसे ससुराल समझने की बजाय अपना मायका मान, खाने का असल मजा तो पूरे परिवार के बीच आता है। चल अब खाना शुरू कर, तेरे पहले निवाले के बाद हम खाएंगे। ये पहली बार था जब पायल के सामने जूठन से भरी थाली की बजाय प्यार दुलार से भरपूर खाना था। पायल के लिए उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। खाने का पहला कौर खाते ही बहू की आंखों से खुशी के अनूठे आंसू उमड़ पड़ते हैं और वह बेझिझक बोलती है, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतना सुनहरा ससुराल मिला है। मैं हमेशा अपनों के प्यार को तरसती रही, हमेशा चाचा चाची में उस प्यार भरी छवि को खोजती रही, मगर उन्होंने मुझे सिर्फ दुत्कारा। मगर आज मुझे अनाथ के पास माँ जैसी सास, पिता जैसे ससुर, सहेली जैसी ननद और बहन से बढ़कर जेठानी मिली है और एक ऐसा जीवन साथी जिसने मुझे खुशी से स्वीकारा। आज मुझे सही मायनों में मायका मिल गया। भगवान सभी लड़की को ऐसा ही ससुराल दे। जिस अपनेपन की चाहत पायल को उसके मायके से थी वह ससुराल में पूरी होती है। किसने सोचा था कि पायल को मायके से बढ़कर प्यार दुलार करने वाला ससुराल मिलेगा। आज पायल के हक की खुशियां उसकी झोली में आ ही गई। पांच बहुओं का क्रिसमस। धवलगढ़ में रहने वाली पारो के पांच बेटे थे, जिसकी शादी पारो ने 2 साल पहले सुलझी हुई लड़कियों से की थी, जिसे पारो पांच बहू चेतना छवि महक परी और नीति की सास बन गई। मगर उसके पांचों बेटों में से केवल 2 ही दफ्तर में दिन बिताते थे और बाकी के 3 बेटे बड़े महीनों से बेरोजगारी की मार झेल रहे थे। एक भोर पारो घर के ओट पर बैठी हुई थी, तभी वहां से गुजरती हुई कांता कहती है, अरे क्या हुआ पारो, रानी तेरा मुंह देवदास के जैसे मुरझाया क्यों है, और बता क्या हाल चाल है तेरे घर के क्रिकेट टीम का। बस जैसे तैसे दिन कट रहा है। और बता क्या दे रहे हैं तेरे बेटे बहू इस बार क्रिसमस पर तुझे तोहफे में। मेरा बेटा तो हर बार क्रिसमस के एक रात पहले मेरे लिए सेंटा क्लॉस का भेष धरकर किसी साल साड़ी किसी साल जेवर तोहफे में देता है। तू बता इस साल क्रिसमस पर क्या दे रहे हैं तेरे बेटे और बहू तुझे। गांता मेरी किस्मत तेरी जितनी बुलंद कहां, अब तेरा परिवार ही इतना छोटा है और मेरा तो भरा पूरा परिवार है। 5 बहू 5 बेटे हैं। बदकिस्मती की बात तो ये है कि मेरे 3 बेटे बेरोजगार बैठे हैं। जगह जगह हाथ पांव मार कर देख लिया, बावजूद इसके उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। जैसे तैसे राम और राजीव की कमाई से दाना पानी चल रहा है। अरे ये तो बड़ी दुख की बात है पारो, 5 बेटों और बहू के होते हुए भी गरीबी में दिन काट रही है। आज भी भूली नहीं हूँ मैं तुझे, जवानी के दिनों में तुझे बनारसी साड़ी कितनी भाती थी, मगर गजोधर भाई साहब के जाने के बाद तूने तो अपने शौक और अपना जीवन जैसे अपने 5 बेटों की परवरिश और उन्हें पढ़ाने लिखाने में ही झोंक दिया। मगर मैं जानती हूँ कि वह शौक आज भी तेरे जहन में जिंदा है। मगर कांता जो सपना कभी पूरा नहीं हो सकता, खामखा उसके ख्वाब क्यों सजाना। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि ये क्रिसमस अच्छे से कट जाए और मेरे घर का चूल्हा उदास ना पड़े। पारो को इस बात की भनक नहीं थी कि उसकी बहू परी ने उसकी सारी बातें सुन ली हैं, जिसके बाद वह नमाखे लिए हुए रसोई में आती है, जहाँ छवि बोलती है, अरे
क्या हुआ परी, तुम्हारा चेहरा इतना बुझा हुआ क्यों है? छवि भाभी, मैंने माँ जी को आज पहली बार कमजोर होते देखा था। परी की बात सुनकर चारों बहू के कान खड़े हो जाते हैं और जैसे ही परी पूरी बात बताती है उनकी आंखों में आंसुओं की बूंदें झिलमिलाने लगती हैं। तभी पारो को बड़ी बहू चेतना कहती है, अरे बस भी करो तुम चारों, ये वक्त आंसू बहाने का नहीं, हम पांचों बहू को मिलकर माँ जी के अधूरे सपने को पूरा करने का है। मगर चेतना भाभी, बिना पैसों के हम माँ जी के लिए बनारसी साड़ी कहाँ से लाएंगे? अगर हम तसल्ली से सोचे तो कोई ना कोई तोड़ जरूर मिल जाएगा। अगर हम पांचों बहू घर खर्च में से थोड़ी थोड़ी बचत करें तो पैसे जुड़ जाएंगे। अगर हम सांझ को बाजार जाने की बजाय रात में चले तो सब्जी सस्ती मिल जाएगी। हाँ, क्योंकि क्रिसमस आने में भी कई दिन बाकी हैं। बस जीसस गॉड, हम गरीब बहुओं के इस सपने को पूरा करें। उस दिन से पांचों बहुओं ने पैसों की बचत करनी शुरू कर दी है। अपनी सास को तोहफा देने के लिए सेविंग्स भी शुरू कर दी। एक रोज राजीव कहता है, चेतना सब्जियां खत्म हो गई क्या? अगर हो गई हो तो बता दो, रात को लौटते समय बाजार से लेते आऊंगा। राजीव जी, तो इतनी महंगी सब्जी उठाकर ले आते हैं, ऐसे में कुछ बचता नहीं है। राजीव जी, मैं क्या सोच रही थी, एक तो आप थके हारे देर रात दफ्तर से लौटते हैं, तो ये सब्जियों की खरीदारी का जिम्मा हम बहुओं को सौंप दीजिए। अरे तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं तो कब से इस जिम्मेदारी से छुट्टी पाना चाहता था। ये लो पैसे, सब्जी ले आना। चेतना आधे पैसों को अलग करके बचे खुचे पैसे से सब्जी लाती है। ऐसे ही हर एक दिन गुजरने के साथ पांचों बहू अपने घुटने झुकाकर एक साथ जीसस का नाम लेकर प्रे करती हैं और कैलेंडर में आने वाले क्रिसमस की तारीख को निहारती हुई बढ़ चढ़कर बचत करती हैं। और फिर एक रात पांचों बहू सभी के सो जाने पर हॉल में इकट्ठी हुई और बातें करती हैं। कुछ ही देर में 23 तारीख की रात भी बीत जाएगी, हम पांचों बहुओं के पास बस कल का दिन बचा है। हमारे पास कुल मिलाकर क्रिसमस के पैसे तो जुड़ गए, बस कल सासू माँ के बनारसी साड़ी का पार्सल भी आ जाएगा। इसी समय हम पांचों मिलकर पूरे घर को क्रिसमस के लिए सजाएंगे और सासू माँ को सरप्राइज देंगी। अगली सुबह पांच बहुएं घर की साफ सफाई में जुट जाती हैं, जिसे देखकर पारो कहती है, अरे बहू, घर में कोई मेहमान आने वाला है क्या जो तुम पांचों सफाई में जुटी हो? नहीं माँ जी, वो क्या है, घर गंदा लग रहा था तो सोचा क्यों ना हम पांचों बहू मिलकर साफ सफाई कर ले। फिर पारो अपने कमरे में चली जाती है और नीति कहती है, मेरी प्यारी जेठानियों, स्टोर रूम में बहुत सारा कबाड़ भरा है, क्यों ना हम उसे बेच दें ताकि हमारा क्रिसमस और भी सुनहरा हो। पांचों बहू भंगार के सामान को कबाड़ी वाले से बेच देती हैं, जिसके बदले में उन्हें अच्छे खासे पैसे हाथ आते हैं। देखते ही देखते शाम ढल जाती है और अपने पतियों के खा पी कर सो चुकने के बाद पांचों बहू एकजुट होती है। प्लान याद है ना, हम पांचों को बिना शोरगुल के 12 बजे के पहले पूरे घर को सजाना है। हम तैयार हैं। पांचों बहू घर के कोने कोने को गुब्बारों और सितारों से सजा देती हैं। हम पांचों के पास सिर्फ आधा घंटा बचा है, मैं सेंटा क्लॉस के कपड़े निकालती हूँ, फिर हम तैयार होंगे। अगले ही पल पांचों बहू सर से लेकर पांव तक सेंटा के लाल रंग के कपड़ों और कैप पहनकर पीठ पर लाल मखमली झोला लटकाए एक दूसरे को बड़ी मुस्कान से साथ देखने लगती हैं। छवि, नीति, महक, परी, इस लाल रंग के ड्रेस में तुम एकदम असली सेंटा की तरह जगमग हो रही हो। भाभी, सबसे सुंदर सेंटा तो आप लग रही हैं। इस लाल रंग में आपका दूधिया चेहरा चांद की तरह छिटक रहा है। हाँ छवि, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। पांचों बहू सेंटा के ड्रेस पर टिप्पणी कर ही रही थी कि दीवार पर टंगी घड़ी में घंटे की सुई 12 पर पहुंच जाती है और पांचों सेंटा का गीत गुनगुनाते हुए अपनी सास के कमरे में आती हैं। जिंगल बेल्स, जिंगल बेल्स, जिंगल ऑल द वे, ओ सेंटा क्लॉस इज कमिंग अराइवल योर होम वे। जैसे ही ये गूंज पारो के कानों में पड़ती है, वह नींद से जाग जाती है। अरे बहू, तुम पांचों सेंटा के भेस में क्यों हो बहू? मैरी क्रिसमस माँ जी, पांचों आपके लिए तोहफा लाई हैं। ये बोलकर पांचों बहुएं पोटली पारो के पास बढ़ाती हैं, जिसके सबसे बड़ी पोटली में चमचमाती हुई बनारसी साड़ी और बाकी के चार पोटली में खूब सारी चॉकलेट चमचमा रही थी। अपने बरसों पुरानी बनारसी साड़ी पहनने के सपने को पांच बहुओं के हाथों क्रिसमस की उस रात पूरा होता देखकर पारो की आंखों में आंसुओं की बूंद झिलमिला उठती है। माँ जी, ये वही साड़ी है ना जिसे आप हमेशा से पहनना चाहती थी? मगर तुम्हें कैसे पता? माँ जी, हम पांचों आपकी बहू हैं, पता कैसे नहीं चलता? शुक्रिया बहू, जरूर मैंने पिछले जन्म कोई पुण्य किया था जो बहू के रूप में पांच बिटिया पाई हैं।
माँ एक और खुशखबरी है, हमारी कंपनी में 3 वैकेंसी खाली थी, भैया का वहाँ सिलेक्शन हो गया, इसलिए अब हम 5 भाई एक साथ दफ्तर जाएंगे। चलिए माँ जी, अब बिना वक्त गवाए क्रिसमस का केक काटेंगे। आखिरी में पारो की 5 बहू 25 दिसंबर को अपने परिवार के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करती हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी? तो ऐसी कहानी के लिए आप भी हमारे साथ गाइए, जिंगल बेल्स जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे, ओ व्हाट फन इट इज टू राइड इन वन हॉर्स ओपन स्ले, हे जिंगल बेल्स जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे। 2 नई बहू का जादुई टिफिन व्यापार। गोरेगांव में रहने वाली शिल्पा देवी के 2 बेटे थे, राजेश और गोपाल। एक सवेर शिल्पा कहती है, गोपाल राजेश बेटा, तुम दोनों तो जानते ही हो कि सालों पहले तुम्हारे पिता के दुनिया से चले जाने के बाद से मैंने तुम्हें अकेले ही पाला पोसा पढ़ाया लिखाया। अब तुम कद और पद दोनों में काबिल हो चुके हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा ब्याह करके अपनी जिम्मेदारियों से छुट्टी पा लूं। अगर तुम्हारी नजर में कोई है तो अपनी माँ से बेझिझक बता दो। माँ, आपके बेटों के जिगर में सिर्फ उसकी जन्नी बसती है, यानी कि आप माँ, आप जिसे हमारे लिए ढूंढेंगी हम उन्हीं से शादी करेंगे। ठीक है, फिर बहू लाने की जिम्मेदारी मेरी। उस दिन से शिल्पा अपने बेटों के ब्याह के लिए लड़कियां तलाशने लगती है। आखिर में उसकी ये तलाश प्राची और पुनीता नाम की 2 बहनों पर खत्म होती है, जिसके बाद शिल्पा अपने बेटों की शादी करके बन जाती है 2 बहुओं की सास। ससुराल की दहलीज पर खड़ी बहुओं को देखकर शिल्पा की देवरानी काशी कुड़ते हुए कहती है, भगवान झूठ ना बुलाए जेठानी जी, मगर इतने बाजे गाजे के साथ गरीब घर से आई बहुओं के स्वागत में नोट खर्च करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। अरे मगर पैसे भी तो इनके पतियों की खून पसीने की कमाई है, फिर तेरा कलेजा क्यों फट रहा है काशी? हाँ हाँ, काशी है ही कौन, जा रही हूँ मैं। काशी कहने को तो शिल्पा की सगी देवरानी थी, मगर शिल्पा के लिए 100 दुश्मन की 1 दुश्मन थी। समय बीतता है, दोनों नई नवेली बहू घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने लगती है। एक रात खाने की मेज पर सास अपनी दोनों बहुओं की बड़ाई करते हुए कहती है, सच बहू, जब से मेरे सूने घर में तुम बहुओं के पांव पड़े हैं, सारा घर बार चहक उठा है। अकल शक्ल की धनी होने के साथ हाथों में भी मान पूर्णा का बसेरा है तुम्हारे। माँ जी, अब बस भी कीजिए, और कितनी तरफदारी करेंगी हमारी? हाँ माँ जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप हमारी बड़ाई कर रही हैं, वरना हम बहनों की किस्मत ऐसी कहाँ होती कि सास के रूप में माँ मिलती। सास बहू अभी बातें कर ही रही थी कि शिल्पा के बेटे घर आते हैं। अरे राजेश गोपाल, क्या हुआ बेटा, तुम्हारा मुंह क्यों मुरझाया हुआ है? गोपाल जी बताइए ना, आपके चेहरे पर ये कैसी चिंता उभरी हुई है? हमारी नौकरी चली गई माँ, जिस दफ्तर में हम काम कर रहे थे वो घाटे के कारण बंद हो गया, मालिक ने आखिर में अपने हाथ खड़े कर दिए। हे भगवान, इस महंगाई के जमाने में बिना काम काज के कैसे जलेगा घर का चूल्हा? सासू माँ परेशान मत होइए, भले ये एक रास्ता बंद पड़ गया मगर सोचने से कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। बहुओं के समझाने बुझाने से शिल्पा शांत हो जाती है। अगली सुबह, कैसी हो जेठानी जी, खबर मिली कि तुम्हारे बेटों की नौकरी चली गई? ये बैरन बहुएं तो अपशगुनी निकली, शादी को महीना भर भी नहीं बीता और पति को निकम्मा करके घर बैठा दिया। वैसे जेठानी जी बुरा मत मानना, मगर आप आते ही जेठ जी को पचा गई थी और बहुओं ने पति को बेरोजगारी की बेड़ियों में बांध दिया। काशी के कड़वे बोल सुनकर शिल्पा की दोनों बहू से झड़पते हुए कहती हैं, बस कीजिए चाची जी, हमारे घर की दहलीज पर खड़ी होकर आप हमारी सासू माँ को नीचा दिखा रही हैं। अपनी कड़वी जुबान लेकर चली जाइए यहाँ से। अरे रुकना भी कौन चाहता है यहाँ? इसके बाद दोनों बहू काम की खोज में निकल जाती हैं। तभी उन्हें एक पेड़ की ओट से सटी बैठी बुढ़िया ठंड में ठिठुरते हुए दिखती है। अरे अम्मा, आपको तो सर्दी लग रही है। मगर मैं क्या करूं बेटी, मुझ बुढ़िया के पास सर्दी से बचने का कोई साधन नहीं है। बुढ़िया का दुख देखकर बिना देरी किए पुनीता अपनी शॉल और मुट्ठी में बंधे पैसे उसे देकर कहती है, ये लो अम्मा, इन पैसों से खाना खरीद कर खा लो। अचानक वह बुढ़िया माँ अन्नपूर्णा का भेष धर लेती है। उनके हाथों में कुछ अद्भुत टिफिन टिमटिमा रहा था। हे देवी, आप कौन हैं? मैं अन्न की देवी माँ अन्नपूर्णा हूँ। मैं तुम्हारे घर की घटी से रूबरू हूँ।
बावजूद इसके तुम गरीब के लिए खरी उतरी, इसलिए ये जादुई टिफिन तुम रखो। तुम जो भी भोजन इससे मांगोगी, ये टिफिन विशाल आकार का होकर उस खाने से भर जाएगा। इसी के साथ देवी अदृश्य हो जाती हैं और दोनों बहू वह जादुई टिफिन बॉक्स लिए घर आकर अपनी सास को सारी बात बताती हैं। क्या सचमुच बहू? हाँ माँ जी। सुनो जादुई टिफिन, जल्दी से राजमा चावल से भर जाओ। बहू के इतना बोलते ही एक सुनहरी रोशनी टिफिन के इर्द गिर्द जुगनू के जैसे टिमटिमाने लगती है और अगले ही पल टिफिन विशाल आकृति का होकर राजमा चावल से भरपूर हो जाता है। ये देख सास बहू के उदास आंखें खुशी से झिलमिला उठती हैं। ये तो सचमुच में जादुई टिफिन है, हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। क्यों ना इन जादुई टिफिन का स्वाद घर घर पहुँचाया जाए, इससे लोगों को अच्छा स्वाद मिलेगा और हमें रोजगार का बड़ा अवसर। पुनीता प्राची की सोच में सहमति जाहिर करती है। दोनों बहू जादुई टिफिन में भरे खाने को कई सारे टिफिन में भरकर उन्हें झोली में लेकर गांव में बेचने निकलती हैं, जहां चीनू नाम का एक बच्चा बोलता है, रुको आंटी, मैं भी आपके टिफिन का खाना चखना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, ये खाना बेहद स्वादिष्ट है जिसका मूल्य महज 10 रुपए है। अरे वाह, फिर तो एक टिफिन मुझे भी दे दो। दोपहर बीतने तक दोनों बहू के खाने की टिफिन खत्म हो जाती है और वह घर आती हैं। ये देखो माँ जी, आधे ही पहर में हमने 500 की कमाई की है, मगर कल से हमें जादुई टिफिन से दुगना खाना लेना होगा। दोनों बहू जादुई टिफिन का इस्तेमाल ना सिर्फ बाहर की बिक्री के लिए बल्कि घर के खाने में भी किया करती। जादुई टिफिन, इसी पल कढ़ी चावल से भर जाओ। एकाएक जादुई टिफिन बड़ी टिमटिमाहट के साथ कढ़ी चावल से लबालब भर जाते हैं और खाने की खुशबू पूरे घर में घुल मिल जाती है। शुक्रिया जादुई टिफिन, मगर क्या तुम इन कढ़ी चावल को टिफिन से भर दोगे? अगले ही पल जादुई टिफिन के भीतर से कढ़ी चावल से भरपूर कई सारे टिफिन की बौछार लग जाती है और दोनों बहू टिफिन व्यापार के लिए निकल पड़ती हैं, जहां टिफिन से भरे खाने की खुमारी गुजर रहे सूट बूट पहने प्रेमानी नामक एक शख्स से टकराती हैं। टिफिन ले लो, जादुई स्वाद से भरपूर खाने का टिफिन। जरा ठहरिए, क्या मैं आपके खाने के टिफिन का टेस्ट चख सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं सर, ये लीजिए। जैसे ही प्रेमनी टिफिन में भरे जादुई खाने को टेस्ट करता है तो वह बहुओं की तरफदारी में बोल पड़ता है, वाह, आपके हाथों में तो जादू है, इतना उम्दा खाना बनाया है आप दोनों ने, वाह। सर, आप इस गाँव में नए आए हैं क्या? आपको आज से पहले नहीं देखा। हाँ, मैं गाँव के स्कूल का नया प्रिंसिपल हूँ। अगर आप अपने टिफिन व्यापार को बच्चों के लिए बनाएं, तो बच्चे बड़ी चाहत से खाएंगे, क्योंकि ये स्वादिष्ट भी है और संतुलित भी है। मैं प्रतिदिन आपको पैसे दे दूंगा। दोनों फौरन ही हामी भर देती हैं। फिर अगली सुबह, हमारे जादुई टिफिन, जल्दी से छोले पूरी से भरे 300 टिफिन दे दो, जिसे खाकर बच्चों का तन मन झूम उठे। फिर जादुई टिफिन के भीतर से बड़ी टिमटिमाहट के साथ बहुतेरे खाने के टिफिन की ढेर लग जाती है, जिन्हें लेकर दोनों बहू स्कूल के बच्चों को बांटती हैं। सभी बच्चे बढ़ चढ़ कर जादुई टिफिन से मिले खाने का स्वाद चखते हैं। हर दिन के साथ दोनों बहू के जादुई टिफिन के खाने का स्वाद स्कूल, गांव, हाल्ट बाजार में सुर्खियां बटोरने लगता है। सचमुच आप दोनों बहुओं के टिफिन के खाने के जादू ने बच्चों के शरीर में जान डाल दी है, इससे बच्चों का मनोबल बढ़ रहा है। अपनी बड़ाई सुनकर दोनों बहू के दिमाग में जादुई टिफिन की छवि उभर आती है और वह घर आती हैं। बहू, जरूर मैंने पिछले जन्म कोई पुण्य किए थे जो तुम जैसी मेहनती बहू पाई। इस जादुई टिफिन के व्यापार को बढ़ाने में तुम दोनों ने अपनी जान लगा दी, वरना आज हमारे घर में खुशियों की चहल पहल नहीं बल्कि गम और गरीबी के बादल छाए होते। माँ जी, ये सब कुछ जादुई टिफिन का साथ है जिसने हमें भूखे न मरने दिया, बल्कि आज हमारे जादुई टिफिन व्यापार ने सभी के दिलों में जगह बना ली। जादुई टिफिन के जादूगरी के साथ दोनों बहू ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर लोगों में अपनी पहचान बना ली। साथियों, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो बुरे हालातों में भी कोशिश करते हैं। दहेज में घर आईं 3 सालियां। सुधा और महेश की 4 बेटियां सलोनी, प्रिया, एकता, मानसी थी, जिनमें से बड़ी बेटी सलोनी की शादी विराट नाम के लड़के से तय हो गई थी। अगले दिन शादी थी। जैसे ही विराट बारात लेकर चौखट पर आता है तो उसकी सालियां कहती हैं, अरे अरे तनिक रुकिए जीजू, माँ जरा यहाँ कर जीजू के साथ रस्म तो कर लो। कौन सी रस्म साली साहिबा? वेट करिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। तभी सुधा अपने दामाद की आरती उतार कर उसकी नाक खींचती है। तभी वह कहता है, मम्मी जी,
ये आप क्या कर रही हैं? अरे अभी तो मैंने आपकी बेटी से कुछ कहा भी नहीं और आप मेरी नाक खींच रही हैं। हाँ एडवांस में, ताकि तुम मेरी बेटी को तंग ना करो। अरे बेटा मजाक कर रही हूँ, ये तो एक रस्म होती है। ओहो जीजू की पकौड़े जैसी नाक तो लाल हो गई। साली साहिबा एक बार शादी हो जाने दीजिए, फिर हम आपकी खबर लेंगे। उसकी नौबत नहीं आएगी क्योंकि आपको हम परेशान कर देंगे। अच्छा ठीक है, अब अपने जीजू को अच्छी जगह बैठाओ। आइए आइए जीजू, आपके लिए स्पेशल सीट है। जब आप पापड़ों पर बैठोगे तो आपकी इज्जत का कचरा हो जाएगा। ऐसा कहकर एकता विराट को सोफे पर बैठा देती है, जिसके बाद पापड़ों के कड़कने की आवाज आती है और तीनों सालियां जोर से हंसते हुए कहती हैं, तो जीजू कैसा लगा हमारा वेलकम करने का तरीका आपको? तुम तीनों बड़ी चतुर हो, बताऊंगा तुम्हारी दीदी को ये सब। कुछ देर बाद सलोनी तैयार होकर नीचे आती है, जिसे विराट देखकर कहता है, हाय मेरी सोन पापड़ी इज कमिंग। ओहो ये है मेरी सुंदर सी रसमलाई। देखो तुम्हारी बहन कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है, और तुम तीनों बहुत शैतानी हो। अरे अपनी बहन से कुछ सीखा नहीं है क्या? ओफो जीजू, बीवी सीधी मिल रही है, सालियों को तो टेढ़ा होना चाहिए, जो आपको हर पल सताएं परेशान करें। दूल्हा और दुल्हन मंडप में पधारिए, विवाह का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। जाइए जाइए दूल्हे राजा, बजाएंगे हम अब आपका बाजा। क्या बोला तुमने? कुछ भी नहीं। तुम तीनों सालियों से मुझे बचकर रहना पड़ेगा। तभी दोनों दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठते हैं, जहां दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। उसी दौरान तीनों सालियां मिलकर विराट के जूते छुपा लेती हैं। विदाई के वक्त जब विराट अपने जूते पहनता है तो उसे जूते दिखाई नहीं देते। फिर प्रिया जूते दिखाते हुए कहती है, जीजू जूते लो पैसे दो, जूते लो पैसे दो। अरे मेरे जूते दो। बिल्कुल नहीं जीजू, पूरी शादी में सालियों का एक ही तो मौका होता है कि आपके जूते चुराए, और वो भी फ्री में दे देंगे तो कमाएंगे क्या। चलिए चलिए पैसे दो, जूते लो पैसे दो, जूते लो। अच्छा जी। ओ मेरी सालियो, ओ हरे दुपट्टे वालियो, जूते दे दो पैसे ले लो, जूते दे दो। अच्छा कितने दूं? पूरे 50,000। क्या 50,000? ठीक है अब मैं बताता हूँ इन सालियों को। ठीक है आप सबने सुन लिया ना, मेरी सालियाँ पूरे 50,000 मांग रही हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है ये लो 50। कितने हुए? 50 हुए ये तो। और ये लोग बाकी के पैसे 1,000। तो हो गए ना पूरे 50,000। लाओ जूते दो मेरे। जीजू इट्स नॉट फेयर, दीजिए हमारे पूरे पैसे। अब इतने तो नहीं, 30,000 है, लेना है तो ले लो। अरे बेटा मान जा, क्यों अपने जीजू को परेशान कर रही है, तेरी बहन भी थक चुकी है। अरे मान जाओ मेरी प्यारी बहनों। ठीक है लीजिए आपके जूते। प्यारी प्यारी सालियो ये जूते आप अपने पास रखिए, मैंने नए जूते मंगा लिए। बंटी मेरे शूज लेकर आ। हाँ जीजू आप तो बड़े चंट निकले, यू आर वेरी चालाक जीजू, यू आर वेरी चालाक। तुमसे ही सीखा है, पापड़ पर बिठाया था ना मुझे, मैं तभी समझ गया था कि तुम जूते का मौका छोड़ोगी नहीं। फिर भी इतनी मेहनत करी है तो ले लो 30,000 रुपए। प्रिया दीदी एकता दीदी जीजू तो खेल गए। कोई नहीं बेटा, आगे और भी मौके हैं अपने जीजू को परेशान करने के लिए। इस तरह विराट अपने जूते पहन लेता है और विदाई लेकर जाने लगता है, तो प्रिया कहती है, प्यारे प्यारे जीजू रुकिए, हम अपनी बहनों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम तीनों बहनें आपके साथ दहेज में जाना चाहती हैं कुछ समय के लिए। माँ हम जाए ना, हमें जीजी की बहुत याद आएगी, उसके बिना रह नहीं सकते। हाँ माँ प्लीज जाने दो ना। ओहो कितनी मुश्किल से इनका पीछा छूट रहा था, अब ये दहेज में भी आएंगे तो मेरा जीना दुश्वार कर लेंगे घर पर भी। ठीक है विराट, मैं अपनी चारों बेटियां तुम्हें सौंप रही हूँ, तुम्हारी सालियां दहेज में जाने को तैयार हैं, इनका अच्छे से ख्याल रखना। ये बल्ले बल्ले ओ शावा शावा। लो लग गई वाट। इस तरह विराट की तीनों सालियां दहेज का नाम लेकर उसके साथ घर में आ जाती हैं। हफ्ता बीत जाता है, तीनों सालियां ठीक ठाक घर में रह रहे थे, लेकिन फिर उनके दिमाग में खुराफाती आती है। वो जैसे ही शाम को ऑफिस से घर आता है तो गुलाब का फूल लिए एकता अपने जीजू को छेड़ते हुए गाना गाती है, मुझे तुमसे मोहब्बत है दीवानगी की हद तक, दीवाना मुझे बनाओ ना दीवानगी की हद तक।
फिर प्रिया उसका हाथ पकड़कर डांस करते हुए कहती है, आज दिखा दे मुझे लव करके, ओ बेबी बाहों में भर के। आ, आ, अरे एकता, प्रिया, ये तुम दोनों क्या कर रही हो? सलोनी क्या समझेगी? हाँ जीजू, आप कैसे नाच रहे हो? अभी दीदी को बुलाती हूँ। सलोनी दीदी, जरा जल्दी आइए, देखिए जीजू को। तभी सलोनी आकर उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखती है कि विराट के पसीने छूट जाते हैं, तो वो कहता है, सलोनी मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी बहन ही है ये। वो तो मैं देख चुकी हूँ। विराट तुम कितने फटू, कैसे पसीने छूटे हैं तुम्हारे? इसका मतलब ये मेरी सालियों की साजिश थी, और या मैं डर गया, तुम भी इन्हीं की तरह होती जा रही हो। अच्छा सॉरी बाबा, चलो आज रात हम अंताक्षरी खेलेंगे। रात को सभी पिलो लेकर अंताक्षरी खेल रहे होते हैं, तभी सलोनी के हाथ में पिलो आ जाता है और वह गाते हुए कहती है, अरे मेरी बारी आ गई, अब मैं गाऊंगी। ओरे ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। फिर से सब पिलो एक दूसरे को देते हैं और अब एकता पर पिलो रुकता है और वो गाती है, वो जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी, वो जिनके आगे पीछे जी जी, मैं उनकी साली हूँ, वो मेरे जीजा जी। फिर से सब पिलो पास करते हैं और अब की बारी मानसी गाती है, ठीक है मैं गाऊंगी पर जीजू के साथ, हम तीनों सालियाँ नाचेंगी भी दीदी। ठीक है जाओ विराट, आपकी सालियाँ बुला रही हैं, जाइए। फिर विराट अपनी तीनों सालियों के साथ नाचता है। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में तू है कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। तभी जानबूझकर प्रिया अपने जीजू के पैर पर पैर मार देती है, जिसके बाद वह कहते हैं, आ मेरा पैर, लो हो गया तुम्हारे, दिल ये पुकारे आजा, तोड़ दिया मेरा पैर। कैसी है तुम्हारी बहन, कुछ समझा दो इन्हें, तुम जरा सा समझा दो, हद मचा दिए सालियों ने बहुत ज्यादा। ओ सॉरी सॉरी जीजू, गलती से हमने आपका पैर तोड़ दिया। चलो तुम तीनों भी जाकर सो जाओ, बहुत परेशान करती हो इन्हें। तभी सब सो जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। विराट ऑफिस से आकर अपनी सालियों के लिए कुछ ना कुछ खाने को लाया करता था, कभी आइसक्रीम, कभी नूडल्स, कभी मोमोज, इस तरह जीजा साली की नोकझोंक भी होती रहती थी। वहीं सालियों ने जमकर अपने जीजू को परेशान किया हुआ था। कभी वह खाने में तेज मिर्च डाल देती, तो कभी नहाते वक्त बाथरूम का पानी बंद कर दिया करती, और एक बार तो वो जैसे ही कमरे में एंटर करता है तो बाल्टी का पानी उसके ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद वह बहुत भीग जाता है और चीखने लगता है। अरे विराट, ये कैसे भीग गए तुम, और ये ब्रेक लगाकर क्यों छींक रहे हो? पास खड़ी तीनों सालियां अपने जीजू पर हंस रही होती हैं, तभी गुस्से से सलोनी कहती है, ये सब तुम तीनों की करामात है ना? मैं तुम जीजा साली के बीच में कुछ नहीं कहती, फिर भी? अरे इतना तो परेशान मत करो अपने जीजू को, हमेशा छेड़ती रहती हो, देखना कैसे छींक रहे हैं वो, अभी भी बुखार आ गया तो। सॉरी दीदी, हमें माफ कर दीजिए, हम बस थोड़ा सा परेशान करना चाहते थे जीजू को। जीजू वी आर रियली सॉरी, प्लीज जीजू सॉरी, माफ कर दीजिए, अब हम ऐसे आपको तंग नहीं करेंगे। दीदी अब हमें घर चलना चाहिए, मम्मी पापा का भी तो ख्याल रखना है ना। सॉरी जीजू, हमें इतने दिन आपको परेशान किया। कोई बात नहीं सलोनी, जाने दो, और तुम भी इतनी जल्दी मत जाओ, घूमने चलेंगे बाहर। अगले दिन विराट सभी को घुमाने ले जाता है। एरोप्लेन वाली चुड़ैल और बच्चे। बच्चे अपने क्लास में बैठे हुए थे, तभी उनकी टीचर पायल कहती है, बच्चों आप सबके लिए गुड न्यूज है, उसे पहले ये बताओ कि आप किस किस में बैठकर घूमे हो आज तक? मैम हम कार में, स्कूटर पर और मेट्रो में, ट्रेन में, ऑटो में, ऊंट पर, हाथी पर घूमे हैं अभी तक तो। क्या बाकी बच्चे भी इन सब पर बैठकर घूमे हैं? यस मैम। ओके, तो कोई एरोप्लेन में घूमा है बैठकर, जिसने ऊंचाइयों से नीचे का नजारा देखा हो? एनीवन? नो मैम, हम कभी नहीं बैठे। मैम बस हमने आसपास में देखकर आज तक एरोप्लेन को सिर्फ टाटा बाय बाय किया है। ओ, सारे बच्चों ने एरोप्लेन को सिर्फ टाटा बाय बाय किया है। मैं हूँ ना, आप सबके ग्रेड बहुत अच्छे आए हैं। पूरे स्कूल में मेरी क्लास के बहुत अच्छे ग्रेड्स हैं, इसलिए मैं आप सबको एरोप्लेन के टूर पर ले जाना चाहती हूँ, आपको उसकी शेयर कराना चाहती हूँ। तो सारे बच्चे रेडी हैं? पायल की ये बात सुनकर सभी बच्चे डेस्क पर हाथ मारकर चिल्लाकर कहते हैं,
यस मैम, यस मैम, हम जाएंगे मैम, हम जाएंगे। हाँ मैम, हम भी जाएंगे। ओके ओके, सारे बच्चे अच्छे से बैठो। ज्यादा परेशान किया तो कैंसिल कर दूंगी अभी एरोप्लेन ट्रिप। नो नो मैम, हम जाएंगे, हम सब चुपचाप बैठे हैं। सारे बच्चे चुपचाप बैठो और फिंगर ऑन योर लिप्स। तुम बच्चों को कितने अच्छे से हैंडल करती हो, इसीलिए इस ग्रेट ट्रिप पर तुम मॉनिटर हो और सब चीज हैंडल करोगी। ओके ओके मैम। देखो देखो कैसे कीर्ति की बच्ची मैम की चापलूसी करके ओके मैम कर रही है। चार दिन बाद पायल परमिशन लेकर एयरपोर्ट पर बच्चों को लाती है और प्लेन में सबको सीट बेल्ट लगाकर बैठा देती है और कहती है, अच्छा अब हम प्लेन में बैठ चुके हैं, कुछ देर बाद ये प्लेन चलेगा तो सभी बच्चे अपनी जगह पर चुपचाप बैठेंगे, कोई हिलेगा नहीं। एंड नो शोर शराबा। ओके मैम। लेकिन हमें ना बहुत पेट में गुदगुदी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बटरफ्लाई उड़ रही है। और मैम मेरी तो डर के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। लो मैम, इसको तो प्लेन में आते ही भूख लग गई है और कहती है कि डर लग रहा है। कीप क्वाइट, बहुत हो रहा है तुम बच्चों का, ज्यादा शैतानी की तो उसी बच्चे को प्लेन से उतार दूंगी अभी। पायल बच्चे को समझा ही रही थी कि इतने में प्लेन की एयर हॉस्टेस आकर कहती है, वेलकम टू आवर एयरलाइंस, मैं आशा करती हूँ आप सब और बच्चों के लिए ये एक यादगार सफर रहे। कृपया करके अपनी अपनी सीट की पेटी को बांध लीजिए, एरोप्लेन उड़ना शुरू हो गया है। ये अब तो हमारा हवाई जहाज उड़ेगा। बल्ले बल्ले, अब तो हम हवा में उड़ेंगे। खुली प्लेन में हिले डुले बिल्कुल नहीं रहे। ओ, उछले हम बड़े मचल के पर डांट पड़ी जोर से। टिंग टिंग टिंगड़ा डा टिंग टिंग टिंगड़ा टिंग टिंग टिंगड़ा। रितु गाना गा ही रही थी कि अचानक से एरोप्लेन की सारी लाइट जलने बुझने लग गई। सभी बच्चे डर जाते हैं, तभी कीर्ति बोलती है, ये सारे बच्चे शोर क्यों मचा रहे हो, पागल हो गई क्या? एरोप्लेन से उतर कर देखना तुम्हें कितनी पनिशमेंट मिलेगी। बच्चे शोर मत मचाओ, ध्यान से बैठो, आप बहुत ऊपर की ऊंचाइयों पर हैं। आंटी आंटी, मुझे ना भूख लग रही है, आपके पास कुछ खाने को मिलेगा? मैंने टीवी में देखा है आप लोग उनको खाना लाकर देते हो। शांत बैठो, मैं अभी स्नैक्स लेकर आती हूँ। हैला, ये कुंदन तो बड़ा तेज है, इसने तो अपने लिए स्नैक्स भी मंगवा लिया। हाँ हाँ, बड़ा तेज है, हम भी मंगवाएंगे। कुछ देर बाद सभी बच्चे शोर मचाने लगते हैं कि उन्हें भी चाहिए। तभी एयर होस्टेस आंधी के साथ एक चुड़ैल रूप में आती है और एक बच्चे को हवा में उठाकर कहती है, बस बहुत हो गया, अगर अब किसी भी बच्चे ने शोर मचाया या कुछ मांगा तो उसे भी मैं इस तरह हवा में लटका दूंगी। मामा, एरोप्लेन में तो चुड़ैल आंटी है, ये एरोप्लेन वाली चुड़ैल आंटी हमें मार डालेगी। आय हाय, ये बच्चा कितना रो रहा है, कोई चुप कराओ इसे। मैंने बोला चुप कराओ, मेरे कान के पर्दे फट रहे हैं। और रो ऋतिक बेटा। मैम, ये ऐसे नहीं रोएगा, क्योंकि मैं इसके सर पर दो टपली बजाती हूँ। जहाँ एक तरफ चुड़ैल अपने कान बंद करके खड़ी थी, वहीं ऋतु ऋतिक के सर पर और मारती है, जिससे वो और तेज तेज रोने लगता है। तभी चुड़ैल से और बर्दाश्त नहीं होता, वो प्लेन के सारे बच्चों को अपने जादू से हवा में उठा देती है। अब करो, जो भी चिल्लाया उसको मैं इस प्लेन से नीचे फेंक दूंगी, और कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम चींटी की तरह गिरोगे और मिट्टी में मिल जाओगे, दिखोगे भी नहीं किसी को। चुड़ैल जी, आप बच्चों के साथ ऐसा मत कीजिए, मासूम बच्चे हैं, एरोप्लेन घूमने आए थे मेरे साथ, प्लीज आप दुनिया घुमाने की टिकट मत काटो इनकी। बिल्कुल, अब कोई एक शब्द नहीं बोलेगा, बड़ी देर से मैं चैं चैं मैं करे जा रहे हो तुम लोग। चुड़ैल के इतना कहते ही एक बच्चा अपने बैग से पेंसिल उठाकर चुड़ैल की आंख में मार देता है, जिससे चुड़ैल एक आंख पर हाथ रखकर मचलने लगती है। अरे बाप रे बाप, मर गई मैं, किसने मेरी आंख फोड़ दी, छोड़ूंगी नहीं मैं उसको, जल्दी बताओ किसने ये किया है, किसकी हरकत है ये। चुड़ैल सभी सीट के पास बैग चेक करती है तो उसे रोशन के पास बैग मिलता है। तभी चुड़ैल उस बच्चे को पटक देती है, बच्चा बेहोश हो जाता है तो पायल उसे संभालने आती है और कहती है, अरे कैसी निर्लज औरत हो तुम, तुम्हारे दिल में बच्चों के प्रति बिल्कुल भी दया भाव नहीं है, आखिर क्यों तुम इतने सारे बच्चों की जान के पीछे पड़ी हो, बोलो क्यों?
मुझे लोगों से बदला चाहिए। जो उन्होंने मेरे साथ किया इसका बदला लेकर ही रहूंगी। लोगों ने जो किया उसका बच्चों से क्या कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है। एक साल पहले की बात है, मैं इस एरोप्लेन में एयर होस्टेस का काम बहुत टाइम से कर रही थी। मेरा सपना था एयर होस्टेस बनना, लेकिन फिर मेरी मुलाकात मोहन से हुई। फिर मुझे बेबी हुआ और कुछ टाइम मैं अपने बच्चे के साथ रही, लेकिन फिर एयरलाइन वालों ने मुझे बुला लिया। मेरा दिल तो नहीं था, लेकिन अपने बच्चे को उस दिन मुझे छोड़कर जाना ही पड़ा। और उसी दिन मेरा प्लेन आतंकवादियों ने हाईजैक कर दिया। किसी तरह मैंने एक एक करके सबको बचाया। मैंने उन आतंकवादियों के सर पर गन रखी थी और प्लेन लैंड करवाया। कोई होशियारी की तो ये बंदूक तुम्हारे भेजे में डाल दूंगी। हिलना मत, जल्दी करिए सर, प्लेन से उतर जाइए जल्दी। सारे लोग प्लेन से उतर जाते हैं, तभी एक आतंकवादी उसे धक्का देकर 2-4 गोलियां मार देता है। तुमने मुझे क्यों मारा? आह, कोई बचाओ, बचाओ मुझे, मेरा बच्चा मेरे बिना नहीं रह पाएगा। आह, वो भी छोटा है, आज ही मैं उसे छोड़कर आई हूँ। हेल्प मी, हेल्प मी। मैं तड़पती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी भी इंसान ने मेरी वहां मदद नहीं की। तभी मैंने सोच लिया, इन लोगों ने मेरे बच्चे के लिए मुझे तड़पाया है, मैं इन लोगों को इनके बच्चों के लिए तरसा दूंगी। इतने टाइम बाद जब मैंने इतने सारे बच्चों को एयरपोर्ट पर देखा तो अपने मकसद को पूरा करने के लिए मैं तैयार हो गई। ये गलत है, तुम ये कैसे कर सकती हो? तुम्हारे पास माँ का दिल है ना, इन बच्चों के बारे में सोचो। देखो ये बच्चे, इनमें से कितना खून निकल रहा है। यही अगर तुम्हारा छोटा बच्चा होता यहाँ तो क्या हुआ? सोच में डूब गई। जैसे तुम्हारे बच्चे के लिए तुम जरूरी हो, वैसे ही इन सारे बच्चों को भी माँ बाप चाहिए। कल को तुम्हारी बेटी को ये तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो सह पाओगी? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बच्चों के साथ बहुत गलत किया। लगता है अब मुझे चलना चाहिए। शुक्र है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। सॉरी सॉरी एरोप्लेन वाली चुड़ैल आंटी, मैंने आपको मारा। आप इतनी जल्दी मत जाओ, आप हमें एरोप्लेन की सैर तो करा दो। जरूर। बच्चे की बात सुनने के बाद चुड़ैल बच्चों को एरोप्लेन की सैर कराती है, उनके बारे में बताती है, जिसके बाद सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर चुड़ैल चली जाती है।